हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शांति ईयर। सो आप लोगों ने पहले के व्लॉग में देखा होगा कि हम लोगों ने पहले से ही लिस्बुआ का डे पास लिया था। सो बिकॉज ऑफ दैट आवर ट्रैवल वाज फ्री ईयर एंड वी एंटर्ड टेकिंग द टिकट ऑफ द ओशनेरियम एंड द केबल कार ऑफ ₹3,000। सो लेट्स टेक द टूर inside the oceanarium and look at the various types of fishes. Look at this, how clear the water is and how good the fishes are. बहुत ही different types के fishes देखे मैंने पहली बार, इतने अलग अलग salsas, then many different kinds. ये देखो कैसे एक साथ कितने सारे fishes है. Very nice, beautiful, and it is सो बिग ओशनेरियम की चलते चलते थक जाएंगे, मिनिमम 3 to 4 hours जल्दी जल्दी में देखेंगे तो आपको लग जाएंगे। सो वेन एवर यू आर इन लिस्बुआ, कम हियर एंड डू विजिट दिस ओशनेरियम। यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल फिशेस एंड यू विल एन्जॉय। लुक एट दिस, लुक एट द शार्क हियर। ये सब फिशेस के अलग अलग नाम है। दिस इज़ द येलो एंड ब्लैक फिश। Look at this flying fish. It's so beautiful. All the fish has its own beauty. जैसे आप देख सकते हो पूरे झुंड झुंड में इन लोग सब घूम रहे हैं पानी में, and it is so clear water that you can clearly look at them. इन लोग का maintenance और बहुत अच्छे से करते हैं यहाँ पे इन लोग। Look at this bird here. I am really enjoying my time here. Looking at different kinds of sea fishes. हर एक फिश का शेप साइज बहुत ही अलग है और सब साइज के फिश अवेलेबल है यहाँ पे। लाइक यू कैन सी दिस, देयर इज येलो, ब्लैक, फिर कोई दूसरे शेप्स के, सम आर रोमिंग हियर एंड देयर, एंड इट इज़ सो नाइस। के नाम बड़े अलग अलग है इसलिए नाम याद रखने में बड़ा मुश्किल हो रहा है। So now we will go and see the sea lion fish. It is in the water and it is going in so fast own space with too much of water. Iski life to badi mast hai, dekho. Wo tension hi nahi, kitna mast se enjoy kar raha hai ye. And we are also enjoying looking at him and his speed. See how beautiful it looks. This is the Hanwha aqua fish, which is mostly found in Korea, but you can see here we are in Lisboa and we are getting to see so many different kinds of fish. This is the hawk fish. This is the tiger shark. We are liking the fishes and enjoying the time looking at them. It's really peaceful and great. We had great fun here. See how big they are. It feels like they are very near to me and I can feel them very close. Look at this. वैसे तो इधर आके इनको देखने के पैसे वसूल है, क्योंकि ऐसे आते हैं जैसे अपने को जानते हैं और एकदम क्लोजली नज़दीक से जाते हैं। एंड इट अमेजिंग एक्सपीरियंस लुकिंग एट देम and looking at the different kinds of fishes here. We had a great time here. जैसे आप देख रहे हो हम लोगों ने बहुत मज़े किए यहाँ पे इनको देखते देखते, और इतना वेराइटीज़ थे कि देख देख के हम लोग थके नहीं इनको देख के, क्योंकि मज़ा ही आ रही थी। Look at the shark fish. उसका टीथ देखो कैसा दिख रहा है दूर से, देखो जैसे अपने को खाने ही आने वाला है। Look at that. So cute and so nice. मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं ऐसा एक्वेरियम में आके इतने अलग अलग टाइप के फिशेस देखूंगी। लुक एट दिस, दिस इज द स्टार फिश एंड दिस फिश इज कमिंग फ्रॉम योर, बी रेडी टू सी इट। ये फिश के भी फीचर्स बहुत अलग है, इसके आँखें बहुत बड़ी बड़ी है और ऐसा थोड़ा सा मोटू मोटू सा है। यू कैन सी इट्स सो नाइस। Now we will see more fishes. I have never seen the jellyfishes and all, but first time in my life I got to see
दिस काइंड ऑफ फिशेस. ये तो आराम कर रहा है यहाँ पे. अभी हम लोग जेली फिश भी देखेंगे आगे जाके. सो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर फर्दर. ओ भाई इसको देखो कितना खूबसूरत है ये. और ऐसा लग रहा है कि क्या है इसके अंदर. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. इसका ब्यूटी कुछ अलग है. स्टार फिश भी बहुत अच्छा लग रहा है. एंड एक सी हॉर्स फिश भी है. जैसे ये देखो ब्लैक कलर का एकदम छोटा सा. आई हैव ज़ूम्ड इट टू शो यू ऑल. आई हैड अ ग्रेट फन लुकिंग एट देम. स्लीपिंग फिश. तो एक ज़ेब्रा टाइप का कुछ अलग ही टाइप का फिश है. यू कैन सी रॉकी रीफ एंड दिस इज सम डिफरेंट काइंड अगेन. दीज आर सम काइंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन फिशेस. वेरी स्मॉल टाइनी एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आई हैव सीन सो मैनी डिफरेंट काइंड्स कि नाम याद रखना मुश्किल हो चुका है. बट आई एन्जॉयड वॉचिंग ऑल काइंड्स ऑफ फिशेस. ये है पाइनएप्पल फिश. ये भी एक ऑस्ट्रेलियन काइंड ऑफ फिश है जो कि एकदम पाइनएप्पल कलर का है. एंड इट्स वन काइंड ऑफ यूनिक फिश फ्रॉम ऑल. ये शार्क तो बार बार सेल्फी लेने ही आ रहा है. स्टार फिश को तो मैंने बच्चों को ड्राइंग करना सिखाया है लेकिन एक्चुअल में पहली बार देखा है. और इट्स सो कलरफुल एंड नाइस. तो अभी इन्होंने बाहर शॉप में लाके छोड़ दिया है सोविनियर लेने के लिए. बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव सो आई कांट बाय इट. सो वी विल जस्ट गो टूवर्ड्स द केबल कार एंड हैव फन एक्सप्लोरिंग द केबल कार. लेट्स गो देयर. लुक एट द व्यू. योर The cable car is here. Let's get into it and enjoy our time in the tele cable car. ये नितिन अंदर जा रहे हैं. Now I'll also go inside and see how it is. तो हम लोग एक केबल कार में बैठे हुए हैं. ओशनेरियम वो था. उन्होंने पूरा टूर किया और बहुत ही मस्त था. मैंने कभी ऑक्टोपस फिर स्टार फिश फिर जेली फिश ये सब देखा नहीं था. तो मैंने यहाँ पे सब कुछ देख लिया. और शार्क भी था. बहुत ही अच्छा था. यू कैन सी दिस. लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम द टॉप. वी हैव पेड फॉर दिस केबल कार. इट इज हाईली रिकमेंडेड. यस हाईली रिकमेंडेड. एंड इट इज वेरी नाइस. यू कैन सी द ब्रिज. लुक एट दिस. समुद्र पे बना हुआ ब्रिज है वो. और एकदम मस्त लग रहा है. घुमाने के लिए. और ये यहाँ का ऊपर का व्यू है केबल कार के यहाँ से. ब्यूटीफुल. जैसे हम लोग के यहाँ पे ब्रिज है यहाँ पे भी ऐसा एक ब्रिज बना हुआ है. यू कैन सी दैट. इट्स सो नाइस. मुंबई में भी बना है तो बहुत अच्छा चल जाएगा. टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा. लोगों ने टेली केबल लिया था लिस्बोआ में एंड इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस. जो कोई भी इधर आए तो प्लीज विजिट दिस ओशनेरियम एक्वेरियम एंड दिस केबल कार. इट्स वेरी नाइस. इट कॉस्ट अराउंड 6 euros फॉर बोथ ऑफ अस इंक्लूडिंग द केबल कार. एंड वी हैव टेकन अ लिस्बोआ डे पास फ्रॉम विच वी कैन ट्रैवल योर इन द ट्रैम्स एंड द बस एंड many more things. So it's like good. पास एक बार ले लो पूरा दिन घूमते रहो इधर उधर. एक्वेरियम और ये टेली केबल कार का टूर खत्म हो जाता है. नाउ वी विल एक्सप्लोर सम अदर प्लेसेस. प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर माई फर्दर ब्लॉग्स. थैंक यू. लव यू ऑल.